उत्तराखंड की प्रसिद्ध चार धाम यात्रा कल से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, हरिद्वार से ट्रेवल्स व्यवसाय आरटीओ और स्थानीय लोगों ने हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं का पहला जत्था चार धाम यात्रा के लिए रवाना कर दिया है। वहीं आरटीओ रश्मि पंत ने बताया कि सभी वाहन चालकों से यह निवेदन किया गया है कि वह अपने परिवहन की सभी तैयारियां के साथ साथ परमिट और कागज पूरे रखें। जो भी वाहन चालक यात्रियों को ले जा रहे हैं, सौम्य स्वभाव के साथ लेकर जाए, अतिथि देवो भव का पालन करें। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। हम ये कहना चाहेंगे कि यात्रा सुखद हो, सुरक्षित हो। सब वाहन चालक है, सड़क सुरक्षा के नियम है उनका पालन करें। और यात्रियों से मेरा अनुरोध है कि उत्तराखंड एक बहुत ही पारिस्थितिकी के रूप से सेंसिटिव स्टेट है, तो वहाँ पर प्रदूषण ना फैलाए और वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन के नियम है उनका पालन करें। यही मेरा कहना है और हम उनको यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी की यात्रा शुभ। हमने प्रभु से सबकी सुखद यात्रा मंगल कामनाओं के साथ भगवान से प्रार्थना की है कि यात्रा सुखद और शांतिपूर्वक चले, किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो। हम सरकार से ये कहना चाहेंगे, जैसे पूर्व में उन्होंने पंजीकरण से लिमिट हटाई थी, उस टाइम भी ये समस्याएं आई थी, तो हमारे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी ने उसमें हमारे को विशेष योगदान देके तुरंत उसको इस नियम को हटा दिया था कि इसमें कोई लिमिटेशन लगेगी, और यात्रा में कोई लिमिटेशन होनी ही नहीं चाहिए। और यह सरकार का प्रयास होना चाहिए कि भी जो यात्री हरिद्वार में या ऋषिकेश में यात्रा करने के उद्देश्य से आया है, उसको यात्रा करवाने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए।